कभी भी, आज मुझे सवा डेढ़ साल हो गया मुझे घर गए हुए, बहुत सारी छुट्टियां, लेकिन मैं आज डायमंड लेवल पे आ गया हूं। आज मैं रूबी लेवल पे था, तब मैं नहीं भी काम करूंगा तब भी मेरे पास पैसे आएंगे। आज लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे मैं जानता हूं कि आप लोग को यहां तक आना है और आप मेरे परिवार का एक हिस्सा है, आप इवॉल्व इंडिया का एक हिस्सा है, आपको वहां से यहां तक लाना मेरा दायित्व है और मुझे उसको करना है, मुझे उसको करना है। सैक्रिफाइस नहीं दूंगा, मैं सैक्रिफाइस का नाम नहीं दूंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे फादर ने मुझे पढ़ा लिखा के मुझे यहां तक मतलब किया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उन्होंने, वो टारगेट था उनका कि यहां तक लेके आना है। मेरा भी एक टारगेट था कि मुझे यहां तक आना है और मैं यहां तक आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात करता हूं मैं। मैंने बहुत सारी बातें अपनी डायमेंशन में कहनी थी, बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन आज समय कुछ ऐसा है, आज इमोशनल बहुत हो गया हूं क्योंकि मुझे 8 साल लग गए इस दिन का इंतजार करते करते। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बिजनेस में मेरे को मिली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे विरासत में मिली, करूंगा और हम सबको मिली विरासत में, मानना मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आपको मानना पड़ेगा, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आप नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सिर्फ एनालाइज करेंगे आज। और वो था सबसे बड़ा सिस्टम, जो सिस्टम मुझे दीपक से नटराज लेवल के मतलब पहले समझाया था, शायद समझ में नहीं आया। हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम सिस्टम देखते हैं, लेकिन सिस्टम समझ में आता नहीं। सोच के देखिए, मनमोहन सिंह जी इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, 113 करोड़ लोग हैं, इतनी बड़ी सरकार कैसे चला रहे हैं, कैसे कैसे वो सारी रिपोर्टिंग मिल जाती है उनको, कैसे हो जाता सब कुछ और देश चला रहे हैं, क्या है वो सिस्टम है। वो वन मैन शो नहीं है, वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। अकेले आदमी कभी भी कुछ नहीं कर सकता, वो सिस्टम सोचना पड़ेगा। आज बहुत दूर की बात नहीं करते, देश चलाने की बात छोड़ दीजिए, मैं बात करता हूं घर चलाने की। घर तभी चल सकता है जब घर का मुखिया एक हो और वो कमांडर एक हो। मेरे पिताजी बोले और हम लोग सब सुने, तभी वो घर में खुशहाली रहेगी। अगर सब अपनी अपनी चलाएंगे तो घर में खुशहाली रहेगी, कभी नहीं रह सकती। मैं घर से ही रिलेट करके आपसे बात बताता हूं कि घर में सिस्टम कहां से चालू होता है। सिस्टम हमारे घर से ही चालू होता है, हमारे समाज से चालू होता है, और हमें उनका आदर करना पड़ेगा। हमें अपने पेरेंट्स का आदर करना पड़ेगा, जो भी घर में जो बड़े हैं उनका आदर करना पड़ेगा, उन्हीं के साथ ही बिजनेस ये घर आगे चलेगा। मैं एथिक्स की बात करता हूं, एक फैमिली में अगर एथिक्स नहीं है तो वो फैमिली नहीं है, सही है गलत है। एथिक्स अगर नहीं है तो फैमिली, रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन नहीं है। अगर कोई कितने बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां खुशहाली होगी? एक परिवार में हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस चलता है। ये परिवार की बात कर रहा हूं, हमारे और आपकी परिवार की बात कर रहा हूं, जहां पर सिस्टम है और वो सिस्टम बहुत पावरफुल सिस्टम है। मैं बात कर रहा हूं सेरेमनी और सेलिब्रेशन की। कभी सेरेमनी होती है, कभी कोई सैड डिमाइज हो जाता है, कभी कोई दुखद घटना हो जाती है, पूरे परिवार एकत्र हो जाता है, कभी सेलिब्रेशन होता है, पूरा परिवार एकत्र होता है और तब प्यार बढ़ता है, तब खुशियां बढ़ती है। ये सिस्टम का एक हिस्सा है, ये सिस्टम का हिस्सा है। प्रमोशंस भी होते हैं, शादियां होती है, बच्चे होते हैं, तो प्रमोशन होता है परिवार का, नहीं परिवार बढ़ता है आगे, ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है, ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है। जब परिवार आगे बढ़ता है, रिलेटिव्स आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट की बात करता हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना सपोर्ट की जीवे, कोई भी नहीं। एक फादर को मदर से सपोर्ट चाहिए होता है, फादर को बच्चों से सपोर्ट चाहिए होता है, हस्बैंड को वाइफ से सपोर्ट चाहिए होता है, देवर को भाभी से सपोर्ट चाहिए होता है, सिस्टर को ब्रदर से सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर किसी परिवार में ये सब नहीं है तो वो परिवार फिर खुशहाल नहीं हो सकता। परिवार होगा तो जरूर, लेकिन खुशहाल नहीं होगा। एक सिस्टम, एक सिस्टम। और ये सिस्टम हमको अपने परिवार से मिला है, रिस्पेक्ट। हम तो हिंदू राष्ट्र में है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको तो बचपन से दिखाया जाता है, जैसे बेटा बच्चा बड़ा होता है बोले बेटा बुआ के पैर छुओ, बेटा पापा के पैर छुओ, बेटा दादा के पैर छुओ, नाना के पैर छुओ, नमस्ते करो, सिखाया जाता है रिस्पेक्ट देना। शुरू से बहुएं घूंघट करती हैं, इज्जत देती हैं, ये सिखाया जाता है, ये सिस्टम है, ये बचपन से सिखाया जाता है।
और बच्चों को भी रिस्पेक्ट देना होता है। आप बच्चों से तू से बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भी आपसे तू से बात करेंगे, आप उनसे आपसे बात करते हैं ताकि वो भी आपसे बात करें। ये एक सिस्टम का हिस्सा है जो आप अपने परिवार में डालना चाहते हैं, और वही सिस्टम का हिस्सा हम भी सिक्का लाइफ में डाल के ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ बातें तो मैंने वहां से सीखी तो हम भी हैं और आप भी हैं, हम जानते हैं इसको, लेकिन हमने इसे अमल नहीं किया। सही है गलत? जोर से बोलिए सही है गलत, और जोर से बोलिए सही है गलत। जियो जिंदगी। इमोशनल मत बनिए क्योंकि अभी तो सपने बहुत साकार करने हैं। मैं सिर्फ वो बातें बताना चाह रहा हूं जिससे हम सब डायमंड बनेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ डायमंड बन के ऊपर आए, क्योंकि डायमंड बनने के बाद जिंदगी बहुत शानदार हो जाती है। इसे कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूं, ये महज 7,500 रुपए का धंधा नहीं है, इमोशंस का धंधा है। ये बिजनेस क्या दे देगा नहीं जानते हो, वो 2-4 हजार रुपए के चेक, 10,000-15,000 के चेक चेक नहीं है, यकीन मानिए। जब वो 2,000 रुपए का चेक भी जाता है ना, तो मैं अपने लीडर्स लोग के साथ बैठ के बोलता हूं, आप जानते हैं ये 2,000 के चेक पे कम से कम 500 रुपए के फ्रूट्स वो बच्चों को लेके जाएंगे। उस बच्चे की खुशी, उस बच्चे के चेहरे पे जब खुशी होगी, पापा घर के अंदर एंटर कर रहे होंगे और मिठाई का डिब्बा या फ्रूट होगा 2 किलो, क्योंकि वो चेक आया, चेक से 200-300 रुपए तो बच्चों पे भी खर्च होगा। सिर्फ वो खुशियों को एहसास कीजिए, आप सफल हो गए। आपने जो बिजनेस में ज्वाइन कराया है, वो 2,000 का चेक जो गया है, आप सफल हो गए मेरे दोस्त, आप सफल हो गए। सिर्फ इसी एहसास पे हम जीते हैं, और हम जानते हैं यहाँ पर बहुत पैसा है, हम जानते हैं यहाँ पर हर व्यक्ति पैसा कमाएगा और बहुत पैसा कमाएगा। बस एक सिस्टम के साथ चलना होगा और वक्त लगेगा। फिर दूसरी बात मैं करता हूं, यही बात मैंने अपने जॉब में देखी। जब मैं जॉब में आया तो मैंने देखा भाई ये तो सिस्टम की बनाया है, कुछ नहीं चल सकता। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है भाई आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आपकी नहीं चलेगी। आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आपका काम दिमाग का काम नहीं है, आप अफसर नहीं है। अधिकारी दिमाग लगाएगा, आप नहीं लगाएंगे। हमको भी यही बोला जाता है, अपलाइन दिमाग लगाएंगे, आप मत लगाइए, आप चलते जाइए, जय हो विजय हो का नारा लगेगा, जय हो और विजय हो का नारा लगेगा। देखते हैं जय और विजय हो क्या होगा। हम बोलेंगे जय हो, आप बोले विजय हो। जय हो, जय हो, जय हो। सिस्टम वही है, वहां पे बोला गया कि भाई आप बॉस नहीं है, बॉस जो बोलेगा वो आपको करना है और करते जाइए, बस सफलता मिल जाएगी। कमांडर जो बोलेगा वो आपको करना है, आपको सफलता मिलेगी। सच्चा लाइफ में भी यही बोला जाता है। मैंने बोला इस बात तो बिल्कुल सही, घर पे भी वही बात है, जो बड़े बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, आपको सफलता मिलेगी, आप खुश रहेंगे। आपने अगर उनको दुख पहुंचाया तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, आप कहीं पर भी रहेंगे। और आपने अगर अपने कमांडर को दुख पहुंचाया तो भी, आपने अपने अपने बॉस को दुख पहुंचाया तो भी आप सुखी नहीं रह सकते, और आपने अगर अपलाइन को दुख पहुंचाया तो भी आप सुखी नहीं रह सकते। चेक्स कम आएंगे, आएंगे तो जरूर लेकिन कम आएंगे, आएंगे तो जरूर लेकिन कम आएंगे। ये बिजनेस ही दिल से दिल से मिलने का है, ये बिजनेस ही अपलाइन का है। आज जो भी मैं हूं मेरे अपलाइन की वजह से हूं, शायद बहुत मेहनत करता हूं, शायद वो सपने मेरे सामने है, संघर्ष करता हूं, लेकिन उस सब के बाद मैं एक बहुत बड़ा जीरो हूं अगर मेरा प्लान मेरे साथ नहीं है तो, यकीन मानो ये मेरे भाई, मेरा प्लान मेरे साथ जीरो के साथ में 10 और लगाते के 100 बढ़ाता है मुझे। अपने प्लान को 10 मानने लगे, अपने प्लान को 10 मानने लगे, 10 आप सिर्फ जीरो है, 10 आगे लगेगा तो 100 बनेगा, तब कोई जानेगा, तब वजूद होगा, तब ऐसी टाई लगा खड़े होगे, बोलेगे जय हो, जय हो, तब बोलेंगे लोग आपको डायमंड है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, अपलाइन के साथ होना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम की पावर बता रहा हूं, और मैंने सीखा अपने वहां पर कि बॉस वहां पर अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आपको वक्त पे आना है तो आना है, कोई कुछ हो जाए आप नहीं बोल सकते सर गाय बीच रोड में आ गई थी तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ी हुई, मैं क्या करूं, नहीं चलता है सर। मैं बीमार हो गया हूं, नहीं चलता। सबके एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। आप बीमार हैं तो उसका एक सिस्टम है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपको पर्ची लेके आनी होगी, आपको दिखाना होगा। लेकिन हफ्ते में आप 7 दिन बीमार हैं तो फिर आप बीमार हैं, फिर हॉस्पिटल में रहिए, ऑफिस में मत रहिए। एथिक्स है, नौकरी करेंगे एथिक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉलो करना होगा, काम करना होगा। फ्री बैठ के नहीं कमाया जा सकता। 5,000 भी मिलेगा तो उसके लिए आपसे कम से कम 15,000 रुपये काम कराया जाएगा, तब 5,000 रुपये गिन के देंगे और तब 50 बातें भी सुनाएंगे और आप सुनेंगे भी। सिस्टम है ये। ईगो, क्यों सक्सेस हो गया मैं,
क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे बहुत बार सुनाई है, इन 13 सालों के दौरान मैंने बहुत बार सुना है, कभी गलती करके और बिना गलती करके भी मैंने सुनी है, और मैंने बोला है बॉस इज ऑलवेज राइट सर, यस सर, यस सर और यस सर। और वो ईगो को खत्म कर दिया। और बिजनेस के अंदर भी जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, जब मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में ईगो नहीं होता, उसने ज्वाइन नहीं किया, इसने ज्वाइन नहीं किया, उसने ज्वाइन नहीं किया, अरे नहीं किया तो नहीं किया, लेट नोबडी डिसाइड माय डेस्टिनी, नहीं किया तो उसकी किस्मत, नहीं किया तो उसकी किस्मत, मुझे मालूम मुझे डैमेज जाना है, आई विल डिसाइड माय डेस्टिनी, मेरे बच्चे कौन सी गाड़ी घूमेंगे मैं डिसाइड करूंगा, सिक्योर लाइफ में मेरे अप्लायंस मेरे साथ है, इवॉल्व इंडिया मेरे साथ है, डायमंड तो चाहूंगा। जय हो, जय हो, डायमंड तो चाहूंगा, सिस्टम तो अपनाना पड़ेगा ना, और जो कहीं पर भी सिस्टम नहीं अपनाएगा उसे कल लाइफ में भी नहीं अपना सकता, जो घर से दुखी हो जाएगा। अरे सिस्टम नहीं अपनाओगे तो घर से दुखी रहोगे, सिस्टम नहीं अपनाओगे तो नौकरी से दुखी रहोगे, और सिस्टम नहीं अपनाओगे तो उसे क्या लाइफ में भी दुखी रहोगे, सिस्टम तो अपनाना पड़ेगा। और क्या कहता है सिस्टम, क्या कहता है, प्रोग्राम्स में आओ, सेलिब्रेशंस में आओ, जो जो चीजें आप वहां पे करते हैं वो चीजें यहां पे करनी है हमें, लेकिन एक प्रोसेस है सब चीजों का, हर चीजों का एक प्रोसेस है, टाइम लगता है। क्या प्रोसेस है, एक बच्चा पैदा होता है, उसको बड़ा किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है किंडरगार्टन में, उसको स्कूल भेजा जाता है, उसको कॉलेज भेजा जाता है, उसकी शादी होती है, सबका एक टाइम है और उस टाइम पे वो काम होना है और वो होगा, वो प्रोसेस है। उसके बाद माता पिता बुढ़े होते हैं, उसके बाद हमारी जवाबदारी है कि हम उनको, अब उनको हम देखेंगे, बिकॉज दे हैव गिवन अ वंडरफुल लाइफ टू अस, दे हैव टॉट अस हाउ टू लिव अ लाइफ, एंड लेट अस नाउ डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारा कर्तव्य है, ये प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस ऑफ द फैमिली, एक प्रोसेस है, वहां पर जॉब में भी एक प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। जब 150 के पीछे मैं अपनी थाली लेके खड़ा होता था मैस में, तो मैं सोचता था ये क्या हो गया, जब पहले दिन मैं गया तो मेरा बाल काट दिया गया पूरा कटोरा कट, मैं सोचता था ये क्या हो गया, मैं सुबह 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे उठता था सो के, लेकिन वहां पर मुझे 4 बजे उठा दिया करते थे हेल्थ रन के लिए, ट्रेनिंग मैंने करी है, बहुत शानदार ट्रेनिंग करी है, और मैंने बोला ये क्या हो गया, फिर समझ में आया ये तो मुझे मजबूत बना रहे हैं, सिपाही बना रहे हैं, ये प्रोसेस है, इस सब के बाद मेरी जिंदगी बनेगी। और आई सैल्यूट टू माय एयरफोर्स कि आज उसकी वजह से आज एक डायमंड यहां खड़ा हुआ है, आज जो कुछ भी मैंने सीखा है या मेरे परिवार से या फिर अपनी जॉब से या फिर रिवॉल्व इंडिया के लीडर से सीखा है, सिकाला से सीखा है, और आज मैं यहां पर खड़ा अपनी जिंदगी को बदल के। तमन्ना तो बहुत है जिंदगी बदलने की, और तमन्ना तो हर किसी की है जिंदगी बदलने की, तमन्ना तो हर किसी की है जिंदगी बदलने की, लेकिन बदलते कितने लोग हैं, बदलते कितने लोग हैं, एक प्रोसेस है यहां पर भी सिक्का लाइफ में भी। क्या है वो प्रोसेस, प्रोसेस ये है कि आपको ज्वाइनिंग लेनी होगी, आपको ज्वाइनिंग लेनी होगी, प्रोसेस है ये, सिर्फ ज्वाइनिंग लेने से डायमंड नहीं बनता आदमी, प्रोसेस ये कहता है कि ज्वाइनिंग लेने के बाद में आपको ट्रेनिंग लेना होगा, प्रोसेस ये कहता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको अपनी लिस्ट बनानी होगी, बिजनेस बाइबल पढ़ना होगा, बिजनेस बाइबल को बार बार पढ़ना होगा, प्रोसेस ये कहता है कि आपको हमेशा डिफीट्स मिलते रहेंगे, हमेशा रिजेक्शंस मिलते रहेंगे, फिर भी आगे बढ़ते रहना होगा, प्रोसेस ये कहता है आपकी रिपोर्टिंग होनी होगी, प्रोसेस ये कहता है अपनी अप्लाई से बात करते रहना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए या आपके पास पैसे खर्च करने के लिए होने चाहिए, आप बिजनेस को नौकरी की तरह नहीं कर सकते हैं, आप नौकरी करते रहे और उसके बाद आप सोचे कि बिजनेस को भी नौकरी की तरह करें तो नहीं होगा, दिस इज ऑल अ प्रोसेस। उसके बाद में आपकी टीम बनेगी, दो लोग आएंगे शायद वो काम नहीं करेंगे, तीसरा आएगा शायद वो भी काम नहीं करेगा, पांचवा आएगा शायद वो भी काम नहीं करेगा, 10 लोग होंगे आपकी टीम आगे बढ़ेगी, प्रोसेस है, धीरे से आप सिल्वर बन जाएंगे 50 लोगों के साथ, यू आर सिल्वर, इट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला चरण है प्रोसेस का, सिल्वर, पहला चरण प्रोसेस का बन गया, पहला चरण आ गया प्रोसेस का, सिल्वर हो गए, 50 लोग आपके साथ हो गए, आपके परिवार में 50 लोग आपके साथ आ गए और आपको नवाजा गया सिल्वर से, आप बोलते मैं सिल्वर हूं, क्या लगता है, इट्स अ प्रोसेस, विल टेक टाइम, विल टेक टाइम, जिंदगी भर संघर्ष करता रहा 20 साल 25 साल 30 साल, फिर बाद में दोगे मुझे 5,500 रुपए पेंशन और बोलोगे जाओ अपने बच्चों को पाल लो, उसमें फिर बोलोगे 7,000 8,000 9,000, मेरे पिताजी को तो पेंशन भी नहीं मिली, मेरे पिताजी को पेंशन भी नहीं मिली, मैं संघर्ष करता रहा जिंदगी भर, मैं लड़ता रहा जिंदगी भर, मैं परिवार से दूर रहूंगा जिंदगी भर और मुझे फिर कुछ भी ना मिलेगा, मैं सिक्योर लाइफ में काम करूंगा, मुझे वहां पर सिखाया गया था द लेस यू द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ये मुझे सिखाया गया था वहां पर,
कि आप जितना ज्यादा पसीना बहाओगे पीस में उतना ही आप खून कम बहाओगे जब और जब लड़ाई लोगे। तो आप अच्छे समय पे काम कर लो, अच्छे समय पे काम कर लो। जब अच्छे समय पे काम कर लोगे तो बुरे वक्त पे आपको सीता लाल साथ देगा। मैंने अच्छे समय पे काम किया और खूब काम किया, 7 महीने हो गया पैर टूटा हुआ है, एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जब लाख रुपए से कम का चेक आता हो, एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है, एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है, इट टेक टाइम। आप सिल्वर के बाद गोल्ड बनेंगे, गोल्ड के बाद पर्ल बनेंगे, पर्ल के बाद टॉपाज बनेंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो तो